भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए केस सामने आ रहे हैं। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 38,079 नए कोरोना केस आए हैं और 560 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले शुक्रवार को 38,949 और गुरुवार को 41,806 नए केस आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 43,916 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 6,397 एक्टिव केस कम हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 16 जुलाई तक देश भर में 39,96,95,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 42,12,000 टीके लगाए गए हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 44,20,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 19.98 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस 1.5% से कम है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 6वां स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का 2रा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। वहीं नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले शनिवार को 8 नए मामले, रविवार को 5 नए मामले, सोमवार को 12 नए मामले, मंगलवार को 19 नए मामले, बुधवार को 10 नए मामले, गुरुवार को 11 नए मामले, शुक्रवार को 16 नए मामले और शनिवार को 9 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 78,096 से 78,105 हो गई है। नए स्ट्रेन के कुल मामलों में रिकवरी लगभग 70% के करीब है और लगातार नए स्ट्रेन के मामलों में भारी कमी देखी जा रही है, जो कि राहत की बात है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।